नमस्कार, SBT न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। खाटू श्याम जी का वार्षिक लक्खी मेला 6 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 10 दिवसीय मेले में इस बार भी कोरोना कालीन पाबंदियां जारी रहेगी। ऑनलाइन पंजीकरण, कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट व वैक्सीनेशन की दोनों डोज के आधार पर हाथ पर लगी सील से ही श्रद्धालुओं को मेले में प्रवेश मिल सकेगा। इस बीच मेले में पाबंदियों का विरोध भी शुरू हो गया है। स्थानीय व्यापारियों व श्रद्धालुओं के अलावा दांता रामगढ़ विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। विधायक ने मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों राजस्थान की राजनीति में काफी सक्रिय है। रीट सहित युवाओं से जुड़े कई मुद्दों को लेकर मीणा लगातार सड़क पर संघर्ष में जुटे हैं। वहीं पार्टी के पुराने नेताओं से भी मिल रहे हैं। मीणा की ये मुलाकातें सियासत में चर्चा का विषय बन गई हैं। माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में मीणा को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। उन्होंने राज्यसभा सांसद और पुराने मित्र ओम माथुर से मुलाकात की। दोनों के बीच प्रदेश की राजनीति को लेकर लंबी मंत्रणा हुई। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी मानी जाने वाली इंदिरा गांधी नहर की नेता वितरिका, जो कि अंतिम छोर के किसानों के लिए वर्षों पूर्व बनाई गई थी, उसके लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने तथा सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने के कारण किसानों को इस वितरिका का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। अब सरकार की ओर से इस वितरिका के जीर्णोद्वार व सिंचाई का पानी छोड़ने एवं अंतिम छोर के किसानों को लाभान्वित करने की योजना तैयार की गई है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। ग्वारगम बोरानाड़ा थाना अंतर्गत सालावास में एक वेयर हाउस से ग्वारगम की 56 बोरियां व 89 कट्टे चुरा लिए गए। वेयर हाउस मैनेजर की तरफ से चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार सालावास में गोयल एग्री वेयर हाउस के नाम से एक गोदाम है, जहां विभिन्न तरह की फसलों का स्टॉक है। गत 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच वेयर हाउस से ग्वारगम से भरी 56 बोरियां और 89 कट्टे कम पाए गए। राजस्थान में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि सहकारी समितियां नवाचार से व्यवसाय का विविधीकरण कर अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करें। अग्रवाल सहकार भवन में NCDC के क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार 2021 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली सहकारी समितियां अपने जिले की सहकारी समितियों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करें एवं उनका सहयोग करें। संगोद में पानी पताशे बेचकर अपनी आजीविका चला रहे दुकानदार भूरिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि बिना भागदौड़ के उसका खाद्य पंजीयन हो जाएगा। गुरुवार को उसे घर बैठे खाद्य पंजीयन का लाभ मिल गया। ना उसे कोटा जाना पड़ा और ना ही कार्यालय में कार्मिकों के पास चक्कर काटने पड़े। यह राहत यहां सिर्फ पानी पताशे वाले को ही नहीं बल्कि दर्जनों खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को मिली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोटा की ओर से गुरुवार को यहां नगर पालिका कार्यालय में संयुक्त व्यापार संघ के सहयोग से शिविर लगाया गया। शिविर में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के पंजीयन कर लाइसेंस जारी किए गए। जोधपुर में 5 बत्ती कॉलोनी स्थित शिव मंदिर परिसर में महिला मंडल द्वारा फागोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में कॉलोनी के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया, साथ ही वरिष्ठ जनों ने भी कलाकारों का सम्मान किया। फागोत्सव में भजन गायिका मंजू डागा, डिंपल चौहान, ज्योति पालीवाल और पंकज जांगिड़ ने फाग गीत व भजनों की प्रस्तुति दी, जिन पर राधा कृष्ण का स्वांग रची महिलाओं के साथ सभी ने पुष्प होरी खेली और भाव नृत्य किया। यूक्रेन और जर्मनी के बीच चल रहे घटनाक्रम में फंसे हजारों भारतीय स्टूडेंट का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं रोमानिया पहुंच गए हैं। वहां बीकानेर की आकांक्षा चौधरी के साथ भी ज्योतिरादित्य ने काफी देर बातचीत की और उनसे बीकानेर के बारे में जानकारी ली। सिंधिया बुधवार रात रोमानिया में भारतीय स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। यहां बीकानेर की आकांक्षा चौधरी भी हैं, जो बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंच चुकी हैं। यहां से इन स्टूडेंट को भारत के लिए रवाना किया जाएगा। ज्योतिरादित्य ने स्टूडेंट्स को बताया कि गुरुवार को ही 1000 स्टूडेंट्स को रवाना किया जा रहा है। जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 के बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रथम सेमेस्टर की 5 मार्च से आयोजित होने वाली परीक्षाएं अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दी गई हैं। इस परीक्षा की नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। बीकानेर के लूणकरणसर के एक सरकारी स्कूल में
टीचर पिछले 9 साल से डेपुटेशन पर चल रही है। नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को स्कूल के बाहर ताला जड़ दिया और एनुअल फंक्शन का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में सेशन पूरा होने वाला है लेकिन अब तक सिलेबस आधा भी नहीं हुआ, ऐसे में एनुअल फंक्शन करके धन और समय की बर्बादी की जा रही है। जोधपुर में चिकित्सा विभाग द्वारा गुरुवार को विश्व श्रवण दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार जीवन भर सुने ध्यान से सुने थीम पर विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि जोधपुर जिले में राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम NPPCD सेल द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों पर बहरेपन के लक्षण, बचाव व रोकथाम संबंधित संगोष्ठी, रैली, पोस्टर व पंपलेट वितरण कर आमजन को जागरूक किया गया। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने बीकानेर के किसानों की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया है। तेज हवा और अंधड़ के चलते बीकानेर के सैकड़ों किसानों की फसल चौपट हो गई है। सबसे ज्यादा चने की फसल बर्बाद हुई है, जबकि गेहूं सरसों की फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है। इस सीजन में रबी की फसल खराब होने के बाद अब खरीफ की फसल पर भी जुआ खेलना पड़ेगा। फरवरी में 3-4 दिन चली तेज आंधी ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है, इसी दौरान फसल में कीड़ा लगा है। सूर्यनगरी की नातिन 7 वर्षीय प्रीशा नेगी ने गुरुवार को चौपासनी रोड स्थित होटल निराली ढाणी में आयोजित कार्यक्रम में 1 मिनट में इन लाइन स्केटिंग के साथ हुला हूप रोटेशन का गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। उसने 1 मिनट में इन लाइन स्केटिंग के साथ हुला हूप रोटेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। इस दौरान गोल्ड बुक ऑफ अधिकारी एशिया हेड आलोक कुमार ने प्रीशा को सर्टिफिकेट प्रदान किया। डॉक्टर प्रीति मालपानी और सुरेश नेगी की पुत्री प्रीशा का जोधपुर में ननिहाल है। बीकानेर के एक गांव में पक्षियों के लिए 11 मंजिल का अपार्टमेंट बनाया गया है। यहां वे अपना बसेरा तो बना ही सकेंगे, उनके नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी होगा, चुगने के लिए दाने की कोई कमी नहीं होगी। अपार्टमेंट में पक्षियों ने अपना डेरा डालना भी शुरू कर दिया है। पक्षियों को तिनका तिनका एकत्र करके घोंसला न बनाना पड़े, इसके लिए मिट्टी के घरौंदे भी रखे गए हैं। गुल्लक जैसा दिखने वाले इस गुबंद वाली इमारत में करीब 1100 पक्षी रह सकेंगे। इसके निर्माण पर लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के तोलियासर गांव में बन रहे इन अपार्टमेंट में पक्षियों के लिए हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जोधपुर में कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे दिन नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं की हूटिंग के बीच प्रतिभागियों ने अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल्मी व राजस्थानी गीतों पर नृत्य किया। सांस्कृतिक उत्सव संयोजक डॉक्टर राजश्री राणावत ने बताया कि प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह से पुरस्कृत किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।